क्लास 11th हिंदी मीडियम सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर 2 संबंध एवं फलन। हम कार्तीय गुणनफल और दो समझो का कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल संबंध, संबंध निकालना सब कुछ कर चुके। 2.1 एक्सरसाइज हो चुकी थी। इसके बाद जो नया टॉपिक है वो है संबंध, संबंध इंग्लिश में रिलेशन। देखिए भाई, संबंध की सीधी साधी सामाजिक प्रणाली में संबंध के लिए एक आवश्यक शर्त होती है, कोई दो व्यक्ति संबंधी होंगे। ये अंकल आंटी वाला कोई संबंध नहीं होता है, ये तो सब दुनिया कह देती है अंकल आंटी। बाकी किसी भी रिश्ते के लिए एक शर्त आवश्यक है, उस शर्त को जो पूरा करते वो संबंधी होंगे। जैसे कि राम रमेश का नाना है, राम रमेश का नाना है, राम रमेश का नाना है, तो इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है बताओ भाई। समाज के रिश्तों के लिए भी आवश्यक शर्त होती है, आवश्यक शर्त रमेश की माँ राम की बेटी होनी चाहिए। रमेश की माँ आवश्यक शर्त है, रमेश की माँ राम की बेटी है, तो ये आवश्यक शर्त है। समाज में भी, समाज में प्रत्येक संबंध के लिए एक आवश्यक शर्त होती है, जो शर्त को पूरा करते हैं वो संबंधी होते हैं। इसी तरह समुच्चय में भी एक शर्त कंडीशन दे रखोगी, जो अभी अब उस कंडीशन को संतुष्ट करेंगे वो परस्पर संबंधी होंगे। और संबंध को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। संबंध को किससे करते हैं, आर से और सेट ए टू बी। तो ये तो अपने समाज की बात की, समाज के लिए भी आवश्यक शर्त है। ये अंकल आंटी चाहे जो कहते हैं वो कोई रिलेशन नहीं होते, वास्तविक संबंधों के लिए आवश्यक शर्त होती है। और जो संबंध को शर्त को पूरा करता है वो ही आपस में संबंधी कहलाते हैं। इसी प्रकार समुच्चयों में देखिए, समुच्चय ए 1, 2, 3, 4 और बी 2, 4, 6, 8, 10। तो एक संबंध, संबंध आर ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है कि आर ऑर्डर पेयर एक्स वाई, जबकि y इज इक्वल टू 2x, x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। तो क्या शर्त हो गई, समुच्चय b का अवयव दुगुना है समुच्चय a के से। समुच्चय b का अवयव a से b में परिभाषित है, इसको क्या लिखेंगे, r a से b के लिए ऐसे लगा देंगे। r ऑर्डर पेयर में आएगा एक्स वाई, जबकि बाई बराबर 2x, एक्स ए का अवयव है बाई बी का अवयव है। ये तो समुच्चय निर्माण रूप में हो गया, ये शर्त हो गई। जो इस शर्त को संतुष्ट करेगा वो संबंधी होंगे। समुच्चय निर्माण रूप में तो ऐसे लिखेंगे, इसका ऑर्डर पेयर युग्म के रूप में कैसे लिखेंगे, आर बराबर देखिए कहाँ से परिभाषित है, ए से बी में। तो पहला घटक ए का होगा, पहला घटक क्या होगा, अब यहाँ समुच ए का अवयव देखो, एक इस शर्त में रखो x बराबर 1 तो y बराबर क्या रहा है 2, तो 1 का संबंध किससे हो गया 2 से, y बराबर 2x, y x का दुगना है तो 2 इसमें है, नहीं है तो नहीं लेंगे। अब बताइए अगला, x बराबर 2 रखो, यहाँ 2 दूनी 4 इसमें है, और x बराबर 3 रखा, x बराबर 3 और एक और लिख देता हूँ लो 6, यहाँ x बराबर 3 रखा तो y बराबर 6
एक्स बराबर चार रखा तो बाई बराबर आठ, एक्स बराबर पाँच है नहीं, छः रखा तो बारह इसमें नहीं, तो ये संबंध हो गया आर के रूप में। तो किसी भी संबंध को स्थापित होने के लिए एक आवश्यक शर्त होती है, जो अवयव उस शर्त को पूरा करते हैं वो संबंधी कहलाएंगे। और संबंध को लिखने का तरीका वो ये दो, समुच्च निर्माण रूप में ऑर्डर पेयर एक्स वाई, वाई बराबर टू एक्स, ये प्रतिबंध है, ये शर्त है। एक्स ए का अवयव है, वाई बी का, तो यहाँ इसको आर के रूप में लिखे तो एक्स का पहला अवयव, ए का पहला अवयव एक्स का बंधक हो यहाँ, तो वाई बराबर दो, एक का संबंध दो से है, दो का चार से, तीन का छः से, चार का आठ से है, छः का किसी से नहीं है, छः का दुगुना बारह है, बारह बी में नहीं है, दस पाँच का दुगुना पाँच ए में नहीं है। तो दस का और छः का किसी से संबंध नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई अवयव नहीं है जो इस शर्त को पूरा कर रहा हो छः और दस के लिए। अतः संबंध आर ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स बाई बराबर टू एक्स, तो ये शर्त हो गई, इसको संतुष्ट करेंगे, ये आर हो। तो किसी भी संबंध आर परिभाषा लिख सकते हैं अपन संबंध की, और संबंध की परिभाषा लिखने के लिए आपको लिखना होगा जो कंडीशन दे रखी है, और कोई भी जो संबंध है वो कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होगा। संबंध की परिभाषा, एक एरिक्त, एरिक्त यानी नॉन एम्प्टी, एक एरिक्त समुच्चय ए से एरिक्त समुच्चय बी में संबंध आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, यानी आर इज सबसेट और इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। ए से बी में परिभाषित है तो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा सबसेट और इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, ये संबंध की परिभाषा है। ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा